नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स असेंबली प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस में रहा हूं और एट प्रेजेंट वार्ड नंबर 12 म्यूनसिपल कमेटी रियासी से कौंसलर जीता हुआ हूं। आज मैं रियासी अपडेट के माध्यम से रियासी ज़िला के सभी निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो गवर्नर साहब हमारे सत्यपाल मलिक जी हैं, उन्होंने रियासी जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसको अपग्रेड करने का जो फ़ैसला लिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसके लिए मैं सभी रियासी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका श्रेय पूरी तरह से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे जो एक्स मंत्री रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी, इसका श्रेय उनको भी जाता है। इसलिए मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2002 से 2008 के बीच में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहां पर हमारे लीडर थे और 2005 से 2008 तक हमारे जो मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए जो फाइल चली थी, जो प्रपोजल बने थे, ये मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही इस फाइल को चलाया था और प्रपोजल बनाए थे। और बिल्डिंग के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा भी सैंक्शन किया था और जो बिल्डिंग काफ़ी समय से बनी हुई है, तो इसकी मुबारकबाद मैं रियासी निवासियों को देना चाहूँगा और गुलाम नबी आज़ाद साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने समय में इतना बड़ा फैसला लेते हुए ये फाइल बनाई थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमने करवाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से हमारे रियासी के जो विधायक हैं वो भाजपा से ही रहे हैं। क्या वो इससे पहले बलदेवराज शर्मा जी थे, जहाँ मौजूदा स्थिति में हमारे जो एक्स MLA अजय नंदा जी थे, तो अपने समय में ये इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने में नाकामयाब रहे थे। और इनके समय में तो रियासी हॉस्पिटल में जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इसमें तो डॉक्टर भी नहीं थे और खासकर रियासी टाउन में जो हमारा हॉस्पिटल था, इसको यहाँ से उठाकर और इसको मतलब वीरान करने में हमारे विधायक जी का पूरा हाथ था। इसलिए अब गवर्नर साहब ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं और गवर्नर साहब का मैं खासकर शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो पेंडिंग फाइल्स थी हमारी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये उनको श्रेय इसका पूरा जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे एक्स मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी को इसका श्रेय जाता है। साथ ही साथ मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की जो फाइल आपके उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, आप रियासी टाउन के लिए जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की प्रपोजल बनाया हुआ है, कृपया करके आप वो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमारे रियासी टाउन को दे दीजिए, जिससे कि रियासी टाउन का जो 20,000 निवासी हैं, जो 20,000 लोग हैं जो रियासी टाउन में रहते हैं, उनको भी जो सहूलियत हेल्थ फैसिलिटी जो है वो पूरी तरह से प्राप्त हो सके। मैं आपके माध्यम से पूरे रियासी की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक बार फिर से मैं गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमित जी, आप जब भी कोई विकास का कार्य होता है तो हम देखते हैं कि श्रेय लेने की एक होड़ मच जाती है। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो काफ़ी पुराना अरसा हो गया, तो उसके कई सालों के बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिला है, तो ऐसे में ये क्रेडिट BJP को क्यों ना मिले, क्योंकि पिछले दोनों विधायक भी उनके थे या फिर सरकार उनकी रही है और आप ही कहते हैं कि गवर्नर उन्हीं के हैं, तो क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नर जो हैं वो सबके होते हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और रही बात श्रेय लेने की, तो अगर श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती तो वो अपने समय में 10 साल से उनके विधायक हैं, 10 साल और पिछले 4 साल से तो वो सरकार में भी हैं, तो अगर वो अपनी सरकार के रहते इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बना सकी, और गवर्नर साहब ने अगर इसको बनाया है तो श्रेय उन लोगों को जाता है जहाँ तो जिन्होंने प्रपोजल बनाया था और जहाँ जिन्होंने सेंक्शन किया था। प्रपोजल बनाया था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और जुगल किशोर शर्मा जी ने, और इसको सैंक्शन जो किया है, सैंक्शन गवर्नर साहब ने किया है, इसलिए इसका श्रेय गुलाम नबी आज़ाद साहब, जुगल किशोर शर्मा जी और गवर्नर साहब को ही जाता है। आपने कहा कि पिछले 10 सालों से भाजपा के विधायक थे, लेकिन उनमें आपकी भी सरकार रही है, तो क्या उनको भी दोषी माना जाए? जो 6 साल इसमें विलंब हुआ, 6 साल के दोषी आपको भी माना जाए? देखिए,
सरकार हमारी ज़रूर थी, लेकिन हमारे विधायक जो थे वो भाजपा के ही थे, तो उनका फ़र्ज बनता था कि इस फाइल को हम आगे करें और सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार तक अगर पहुंचाते तो ज़रूर हमारी सरकार इसको सैंक्शन करती, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस ज़रूर देती। ये विधायक की नाकामी रही है कि वो अपने जो पेंडिंग काम थे हमारे सरकार के उनको आगे नहीं ले गए और अपने ही डफली बजाते रहे। तो क्या कांग्रेस जो लीडर थे यहाँ के उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी, जब मुख्यमंत्री थे जो भी मिनिस्टर थे उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि रियासी के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो फाइल ऑलरेडी आप ही ने कहा कि आपकी सरकार में चली थी तो उसको दर्जा दिया जाता उस समय? सीधे तौर पे मैं आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप भी दोषी हैं कहीं ना कहीं, जो इतना विलंब आज तक हुआ। देखिए, अगर आपको पता होगा तो असेंबली में जो है वो विधायक ही बैठते हैं, हम समय समय पर इसकी मांग करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम रियासी डेवलपमेंट फोरम के नाम से भी हमने संस्था बनाई थी, तो हम बीबी ब्यास साहब से भी काफ़ी बार मिले थे, और इसलिए इसका जो मेन काम था वो विधायक जी का था, जहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी रियासी की, इनको इन फाइल्स को आगे करना था जिसमें ये नाकाम रहे हैं। और अगर आज गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लेके इसको किया है तो इसका पूरा श्रेय गवर्नर साहब को जाता है, और इसमें मौजूदा जो विधायक थे जहाँ जो एक्स हमारे भाजपा के विधायक थे तो इसका श्रेय उनको कतई नहीं जाता है, इसका श्रेय पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे मंत्री जुगल किशोर जी और गवर्नर साहब को ही जाता है। चलिए, अब फाइनली चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा ऐसा गवर्नर साहब ने कहा है और मीटिंग में फैसला हुआ है वो मिलेगा, लोगों को लाभ होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी, पहले काफ़ी प्रॉब्लम रही है यहाँ पे। जो पुराना अस्पताल है रियासी का, जिला विकास कमेटी ने काफ़ी संघर्ष किया, आप भी उसके अधिकारी सदस्य रहे हैं, तो उसका अभी स्टेटस क्या है, कहाँ तक वो फाइल पहुँची है और कब तक यहाँ पे उसे उसका दर्जा दिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, वो आपकी डिमांड रही है? देखिए, जहाँ तक हमें पता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में वो फाइल पड़ी हुई है, हम काफ़ी बार हमारे जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे बीबी ब्यास साहब, जो एडवाइज़र भी रहे अभी गवर्नर साहब के, हम उनसे 2-3 बार मिले और उन्होंने इन फाइल्स को आगे तक लेके गए हैं, थोड़ा सा इसका काम जो है वो पेंडिंग है, तो अब हम इसलिए गुजारिश कर रहे हैं गवर्नर साहब से, और हमने समय भी मांगा हुआ है गवर्नर साहब से, जैसे ही हमें समय मिलता है हम उनसे मिलके ये बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां से उठाया गया था और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की हमारी जो मांग थी वो हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने भी कहा था कि ये ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा, तो हमारी मिलके गवर्नर साहब से हम इस मांग को पूरे जोर शोर से उठाएंगे और इसको जो रियासी टाउन की हेल्थ फैसिलिटी को बिगाड़ने में हमारे विधायक जी का पूरा हाथ है। किस तरह कह सकते हैं आप ये आप एक आरोप लगा रहे हैं, किस तरह बोल सकते हैं, क्योंकि आपने भी आवाज़ उठाई, उनका ये कहना है कि उन्होंने भी कोशिश की है और उस कोशिश का जो अंजाम है वो जल्दी ही आने वाला है और इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जच्चा बच्चा का दर्जा मिलेगा। देखिए, आरोप जो आप लगा रहे हैं किस देखिए हमारे आरोप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम जब भी हमारे जो मंत्री रहे थे हेल्थ के बाली भगत जी या इनके जो अधिकारी रहते थे, हम जब भी उनसे मिलने जाते थे तो हमें पता चलता था कि पहले ही हमारे विधायक जी उनको फ़ोन कर देते थे कि आप इनसे मत मिलिए, और अगर आप मिलते हैं तो इनको अच्छे से रिस्पॉन्स मत दीजिए, सिर्फ झूठे आश्वासन दीजिए, तो इसी कारण हमें फिर उसके बाद इनके मंत्रियों से मिलना हमने बंद कर दिया और फिर हम डायरेक्ट जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से ही मिले थे, और उनके ही कारण जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की जो फाइल चली थी वो उनके ही कारण चली थी, उन्होंने ही इसके लिए इनिशिएटिव लिए थे, और इसका श्रेय जब भी हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनता है तो इसका श्रेय हम बीबी ब्यास साहब को देना चाहेंगे। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो देरी हुई है वो जो पूर्व विधायक थे अजय नंदा जी उनके कारण हुई? बिल्कुल, ये उनके कारण हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई थी अगारवलिया में, तो आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस मिला है तो वहाँ पे नए डॉक्टर्स बैठने थे, नया स्टाफ आना था, तो इसको उठाकर वहाँ पे ले जाया गया, ये इनकी ही देन है। एक विधायक आखिर क्यों चाहेगा कि उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसी की सिटी में जो पुराना अस्पताल था या अस्पताल देरी से बने, ये क्यों चाहेगा? ये तो उनकी सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका खमियाजा रियासी टाउन के लोगों को भुगतना पड़ा था, तो प्रॉब्लम तो लोगों को होती है, जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, तो उसको अगर रात को कोई बीमार पड़ता है, रात को ना तो उसको कोई गाड़ी मिलती है वहाँ पर अगारवलिया हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो उसको परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, फिर उसको अपने किसी दोस्त को बुलाना पड़ता है या रिश्तेदार को बुलाना पड़ता है जिसके पास स्कूटर हो, गाड़ी हो, तो फिर वो उसी के साथ बैठकर वहाँ पर जा सकता है,
है, वरना उसको ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने के लिए। तो हमारी इसलिए ये मांग रही थी कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमें जल्द से जल्द दिया जाए। तो अब गवर्नर महोदय से क्या मांग रहेगी पुराने अस्पताल को लेकर? देखिए, सीधी सीधी मांग है, हमें मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमारी फाइल प्लानिंग डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है उसकी पोस्ट सैंक्शन की जाए, और बिल्डिंग को रेनोवेशन का काम चल रहा है तो उसकी पोस्ट भी सैंक्शन की जाए और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जल्द से जल्द खोला जाए। शुक्रिया।